चिंतन शिविर के दौरान ही कांग्रेस को गुड बाय कर चुके पंजाब कांग्रेस के बड़े नेता सुनील जाखड़ अब बीजेपी के खेमे में शामिल हो चुके हैं। उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली। भगवा पार्टी ज्वाइन करने के तुरंत बाद जाखड़ ने जमकर अपनी भड़ास निकाली। उन्होंने कहा, जाति धर्म के नाम पर पंजाब को तोड़ने का विरोध करने की मुझे सजा मिली है। उन्होंने कहा कि हमने रिश्तों को निभाया है, लेकिन जब हम अपने सिद्धांत से हट जाएं तो नए तरीके से सोचना जरूरी होता है। मैंने इसलिए फैसला लिया है। आज एक परिवार से 50 साल का रिश्ता तोड़ने की नौबत आई तो कोई आधारभूत बातें थी, किसी कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं था। झगड़ा राष्ट्रीयता को लेके, पंजाब की अखंडता को लेके, पंजाब की जो भाईचारा है, भाईचारक सांझ है। परंतु दुख इस बात का है, मैं बड़े भरे मन से कह रहा हूँ कि आज जब अपने परिवार से नाता तोड़ के दूसरी जगह जब मैं आया हूँ यहाँ पे, तो उसका कारण ये था कि सुनील की आवाज, सुनील को इस बात के लिए कटघरे में खड़ा किया गया कि उसने इस बात का विरोध किया कि आप पंजाब को जाति पाति धर्म के नाम पे नहीं तोड़ सकते। बता दें कि सुनील जाखड़ करीब 50 साल से कांग्रेस के सदस्य थे। वे दिग्गज कांग्रेसी नेता बलराम जाखड़ के बेटे हैं। कांग्रेस ने बीते 26 अप्रैल को उन्हें 2 साल के लिए पार्टी से सस्पेंड किया था, जिसके बाद उन्होंने बीते 14 मई को कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने पंजाब पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की आलोचना की थी और पंजाब में आम आदमी पार्टी से कांग्रेस की हार के बाद उन्हें जिम्मेदार बताया गया था।